मानव संसाधन विभाग से परमिशन मिलने के बाद रांची विश्वविद्यालय में सबसे पहले पीजी परीक्षा होने जा रही है। अभी तक ये तय नहीं है कि ग्रेजुएशन की परीक्षा कब होगी। एक रिपोर्ट। कोविड-19 के कारण यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार सितंबर महीने में सभी परीक्षाएं ले लेनी थी। अब राज्य सरकार से परमिशन सिर्फ पीजी फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम के लिए मिली है और यह परीक्षा 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी। 28 नौ से ये परीक्षा शुरू होकर 6-10 को ख़त्म हो जाएगी। सेमेस्टर 4 पीजी, और इसका हमने प्रोग्राम डाल दिया है अपने वेबसाइट पे। जितने सेंटर्स हैं उसमें बच्चों को एकोमोडेट कर दिया है। अब रही होम सेंटर की बात, तो जिस सब्जेक्ट में बच्चे ज़्यादा हैं उसको होम सेंटर में नहीं कर पाए हैं, उसको हमने थोड़ा सा अलग सेंटर दिया है जहां सब बच्चों की एक साथ परीक्षा हो जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में विश्वविद्यालय कॉलेज को राज्य सरकार से अनुमति लेने के बाद ही परीक्षा लेनी होगी। यही वजह है कि रांची विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन लेवल पर 25,000 परीक्षार्थी ऑफलाइन परीक्षा कब लिखेंगे यह अभी तय नहीं है। यूजी में हमारे करीब 20,000 से ऊपर बच्चे होंगे और यूजी का एग्जामिनेशन हम स्टार्ट करेंगे 6-10 के बाद, जिसकी की तैयारी पहले हम कर लेंगे। हम परमिशन के लिए HRD में अप्लाई कर देंगे और उसके बाद जब परमिशन हमको मिल जाएगी यूजी के एग्जामिनेशन की, तब हम उसकी डेट निकालेंगे। कोरोना संक्रमण काल में कोविड-19 से बचने के सारे उपाय परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय को करना होगा। ऐसे समय में परीक्षा लेना विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन पवन के साथ अंजनी की रिपोर्ट।